हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं हूं राजेश शर्मा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। दोस्तों, आज की जो खबर है वो बहुत ही अच्छी अपडेट मैं आपको लेकर आया हूं। आज की जो न्यूज है वो अन्नदाता यानी किसानों के लिए, जो किसान सोयाबीन बोने तो गए थे लेकिन काटने के लिए उनको खाली निराशा ही हाथ लगी थी। इसी बीच हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया है, उनकी जो मुआवजे की राशि है वो स्वीकृत कर दी गई है और जल्दी उनके बैंक अकाउंट में सीधे आदरणीय मुख्यमंत्री जी डालेंगे। तो इसी बीच में मेरी जो वीडियो है वो किसानों के बीच में जो है, तो उसकी जो पूरी खबर है मैं आपको बताता हूँ। चलिए मोबाइल स्क्रीन पर और देखते हैं वीडियो को पूरी। और दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को जरूर। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ राजेश शर्मा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजेश गुरु जी। दोस्तों, आज की जो न्यूज है, 35.50 लाख किसानों को फसल मुआवजा के 1600 करोड़ बांटेगी शिवराज सरकार। मंत्रियों से बोले मुख्यमंत्री, हमें 20-20 खेलते हुए अच्छे परिणाम देने। भोपाल नई दुनिया स्टेट ब्यूरो की ये न्यूज है। दोस्तों, कृषि कानून को लेकर किसानों के आंदोलन के बीच शिवराज सरकार 35.50 लाख किसानों के बैंक खातों में फसल मुआवजे के 1600 करोड़ रुपए 18 दिसंबर को जमा कराएगी। इसके लिए पूरे प्रदेश में कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा और मंत्रीगढ़ अन्य जिलों में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान किसानों को कृषि कानून के बारे में फैलाए जा रहे भ्रम की वस्तु स्थिति बताई जाएगी। यह बात मुख्यमंत्री ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक की शुरुआत में मंत्रियों को बताई। जिन किसानों की फसलें खराब हुई थी उन्हें इसके बाद महीने भर की दूसरी किस्त भी प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्रियों ने मंत्रियों को बताया कि 18 दिसंबर को किसानों के खातों में सोयाबीन सहित अन्य फसलों की अतिवर्षा में हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति सहित अन्य बकाया राशि अंतरित की जाएगी। कार्यक्रम जिला मुख्यालय पर होंगे और इसमें सांसद विधायक भी शामिल होंगे। उन्होंने मंत्रियों से निर्देश दिए कि वे भ्रमण के दौरान जनता से संवाद बैठकों और कार्यक्रम में नए कृषि कानूनों के फायदों के बारे में चर्चा करें। किसानों के साथ ही सभी वर्गों को बताएं कि नए कृषि कानून से किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। मंत्री गाँव तक किसान कानून की बात पहुँचाने के अभियान का नेतृत्व करें। CM ने निगम मंडल की कमान संभाल रहे मंत्रियों से कहा कि हमें 20-20 खेलते हुए अच्छे परिणाम देने। निगम मंडल के कामों पर नज़र रखें, दिन रात मेहनत करके आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लक्ष्य को पूरा करने में जुटें। साफ सुथरे ढंग से काम का संचालन करें। ये वो न्यूज है दोस्तों जो किसानों के हितेशी न्यूज है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।